हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, जो हर एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होते आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सही आंसर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? न्यायाधीशों में संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यह भी सही बात है। वह एक प्रागत विधिवेत्ता हो, यह भी सही बात है, उपयोग सभी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी परामर्श करता है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से है? सही आंसर है फ्रांस से लिया गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट रहना चाहिए? सही आंसर है 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना चाहिए। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं? सही आंसर है 65 वर्ष तक। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें प्लीज़। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्तावित किया था। सही आंसर है जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सही आंसर है 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है। यह समय समय पर बदलता रहता है, अपडेट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यवाहक का निर्वहन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया जो एक मुख्य न्यायाधीश होने के कारण राष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने? जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यदि वो रिटायरमेंट आ गए तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय में समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों में किसकी प्रस्तुत किया जाता है? संसद के अधीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ की सर्वोच्च न्यायालय है? वह सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त करता है। राष्ट्रपति के विरोध दोषारोपण करता है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरणों का समालोचन करता है। किसी राज्य में कानून के अवैध, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? भारत और यूएसए में, भारत और यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है?